हो मेरी गुड़िया, एक बार मेरे गले से मिल जाए गुड़िया, एक बार मेरे गले से लग जा। जमींदार अब क्या बाकी है मालिक, जमीन तो पहले मेरी ले लिया, कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया, बाकी क्या है, क्या करने आए हो? अरमला तेरी बेटी बिजली कहाँ है? बिजली घर छोड़कर लापता हो गई, उसकी याद में तड़प रहा हूँ। मेरी गुड़िया कहाँ है? नहीं बताएगा? मुझे नहीं पता है। तुझे नहीं मालूम? नहीं नहीं मालूम तुझे? नहीं नहीं मालूम? संतोष एल बुड्ढे को नहीं मालूम साले को? बोले बुड्ढे बोल कहाँ है? अरे जमींदार साहब मुझे तलवार दिखा रहे हो। अबे मिटा दू तेरी हस्ती को, मिटा दू तेरी हस्ती को, तुझे बेनूर का डालूं, पड़ा बलवंत के चक्कर में मैं चकना चूर का डालूं। किस बात की है? अरे खुशी से चीर दे दामन, कलेजा चाक कर डालो, जला दो जिंदा मुझे बेबाग कर डालो, कर दो धड़ के 100 टुकड़े, जिंदा धड़ा में गड़वा दो, पिला दो जहर का प्याला, मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन बिजली अरे जालिम, दगा दगा धोखा धोखा, क्या कता हमारा है, किस कते के बदले में शमशीर को मुझको मारा है। होता है जग बैरी, अब कुछ भी कहा न जाता है, करना संत लाल फैसला, बंदा इधर से जाता। मेरी गुड़िया बाबूजी, ये क्या हो गया, ये किसने किया? वही जमींदार, ठाकुर जमींदार बलवंत। बेटी तू खेत में पानी मुझे नहीं लगी, खाना मुझे नहीं लगी। नहीं बाबूजी, खेत तो मैं तुम्हें सब खिलाऊंगी। खेत तो ले लिया बेटी, कहाँ खेत में खाना लेकर जाऊंगी? नहीं, तेरा पिता आपको कुछ नहीं होगा, तेरा पिता तुझसे जुदा। पहल बिजली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो टाइगर सिंह, क्या कहना चाहते हो? मेरी बात को ध्यान सुनो। आपकी राय हो गर्जे सरदार जी, आपकी राय सरदार जी, चलकर धावा में बोलू का उसके महल, मार गोली उसे भेजू मुल के यतम, मार गोली उसे मुल के यतम। मेरी बहना टाइगर सिंह, बिजली और इसक्रो के सरदार, आपका आदेश मुझे चाहिए। उस रामचादे की इतनी बड़ी औकात क्या है कि जो आज
मेरे नजरों के सामने एक दिन देखने को पड़ रहा है। टाइगर सिंह, बोल बहन। ये काम करके बलवंत सिंह ने मेरे सीने में और धक्का दी है यार। बलवंत सिंह कुत्ता, मैं तेरा इतना जिस्म फाड़ दूंगी कि पोस्टमार्टम भी नहीं होगा हरामखोर कुत्ता। मेरा परिवार तहस नहस कर दिया, मेरी जिंदगी में आग लगा दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी ना। लेकिन बहन, टाइगर सिंह, बोलो इनको, तुम मेरे पिताजी की लाश, मेरे पिताजी की लाश उसी दिन दफनाना जिस दिन मैं उस बलवंत सिंह का काम तमाम कर दूंगी। हरामखोर, मैं आ रही हूं। मेरे यार राका, ओए टाइगर, ये बहन बिजली के पिताजी हैं, इनकी लाश को उठाओ ले चलो अपने गुफा में। ठीक है, इन्हें बाइज्जत से रखा जाएगा। इनकी लाश को कफन दफन कब होगा? जब वो हराम ज्यादा बलवंत सिंह इस दुनिया से उस दुनिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उठाओ लाश को, चलो उठा लो। आओ लेके। राम सिंह जी सर, दिन प्रतिदिन बिजली का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाँ सर। और वो जो लंगड़ा टाइगर है वो उसके साथ मिलकर आतंक मचा रही है। जी सर। लोगों का जीना हराम कर दिया है। बिल्कुल सर। इसलिए पूरी पुलिस फोर्स के साथ आ चलो, हम जहां भी मिलेंगे जिस हाल में मिलेंगे उन्हें हम या तो मार देंगे या फिर हथकड़ी पहनाकर जेल ले आएंगे। ठीक है सर। आओ हमारे साथ। चलिए सर। टाइगर सिंह, बोल मेरी बहना। वो सामने पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? बहन तुम आगे बढ़ती चलो और मैं उन पुलिस वालों को देखता हूँ कैसे हरामजादे मेरा पीछा कर रहे हैं। ठीक है, चल मेरी बहन। चलो चलो ऊपर। टाइगर सिंह, मैंने कहा था ना कि तू एक दिन मेरी ही गोली का शिकार बनेगा। बिजली का पीछा करो। चलिए सर। और वो राका साथ में है, वो भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है सर। आओ मेरे साथ। मरो साले लंगड़ा टाइगर। आओ मेरे साथ। चलिए सर। टाइगर, टाइगर, बहन, टाइगर सिंह तुम मेरी चिंता ना करो, चलो चलो। नहीं बहन। राका इसको उठा। राम सिंह जी सर, पीछा करो उन हराम जगह का। चलिए सर। आइए सर। राका भी मारा गया। जी सर। बची बिजली। संतोष लंबरदार, देखा रानू अभी तक वापस नहीं आया,
अब वो क्या आएगा? मर गया साला, बुड्ढा भी मर गया, वो भी मर गया, सब मर गए। यहाँ अब कोई टेंशन है नहीं। अब कौन टेंशन है? अब जो कोई भी आएगा यहाँ भी मौत मारा जाएगा। मारा जाएगा बिल्कुल। कुर्सी तो है नहीं, क्या करोगे? कुर्सी कुर्सी क्या? ठाकुर बलवंत सिंह, तो आज ठाकुर तू बच सकता नहीं, आ गई बिजली मौत का ये पैगाम ले, तूने पति का है खून मेरे किया, आखिरी बार भगवान का नाम ले। इस वक्त मरी जानता तू मेरा कमाल लो, अब दोबारा कभी भी कथा ना करूं मैं कथावार हूं मैं। मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं हरामजादे कुत्ता। बिजली माफ कर दीजे खता, अरे बिजली जो हमारी हो। माफ कर दीजे खता, बिजली जो हमारा है, माफ कर दीजे खता, बिजली जो हमारा है। अच्छा। अरे बख्श दो जान मेरी, बख्श दो जान मेरी, ना खता करू दबा। हरामखोर, तेरी खाता बख्श दूं, तुझे मैं जिंदा छोड़ दूं, तुझे तो आज मैं ऐसी मौत मारूंगी, ऐसी मौत मारूंगी, दोबारा इस दुनिया में आने के लिए 7 जन्म सोचेगा हरामखोर। बिजली भूल जाओ सब बात, मैं कभी दोबारा गलती नहीं करूंगा। भूल जाओ, मैं भूल जाऊं सारी बात हरामजादे। एक समय वो था तू मेरे बदन से कपड़े निकाल रहा था ना, आज मैं तेरे बदन से कपड़े निकालूंगी। हरामखोर निकाल ये वस्त्र। निकाल इसको, ये वर्दी निकाल, ये जो चढ़ा रखा निकाल निकाल, और उसको भी निकाल, आज तेरे को मजा चखाती हूँ। मेरे पति का खून किया, मेरे पिताजी का, हरामखोर मेरा इस दुनिया में बचा ही क्या है, आज मैं तुझे खत्म करके मैं अपने आप को भी गोली मार दूंगी। हरामजादे, दीदी रुक जा, दीदी दीदी रुक जा, दीदी रुक जा, मरबूस साहब काटे मैया। ए इधर आ, तू इसका नौकर है ना? नौकरी करते, इसका नौकर है ना? ये तेरा मालिक है? ये तेरा मालिक है ना? ये साला जबरदस्ती मुझसे काम करवाता। आज मैं कह रही हूँ इसके बदन पे 50 हंटर चलाना, अगर एक भी कम हो गया हरामखोर तुझे मैं 1000 हंटर मारूंगी। 50 नहीं दीदी, मैं 51 मारूंगा इसको, साले को मार मार तुरंत मेरी आंखों के सामने। संतोष आबे, साला तू मेरा आदमी होकर मुझसे नाटकबाजी कर रहा है? अबे साले चिलांडरो, अबे चिरकुट, कौन बे, कौन कौन बे, कौन साले? साले कल तक मैं आपका नौकर था, मैं तुमको साले अपना नौकर बनाऊंगा, किसी के आदेश का पालन करना है मुझे। अगर आदेश का पालन नहीं हुआ
तो ये गोली तुम्हारे सीने को पार कर जाएगी। बिजली दीदी, हाँ आप शांति से खड़ी रहिए, मैं इसके साले की खाल उधेड़ दूंगा। ठीक है, निकाल खाल इसकी। तुमको साले मैं समझा रहा था कि साले गलत काम मत करो, लेकिन साले तू कहता था मैं साले भगवान हूँ। क्यों साले, मैं छुट्टी मांग रहा था कि मेरे घर में मेरी बीबी को बच्चा होने वाला है, और तू साले मुझे छुट्टी नहीं दिया। मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होते बलवान। मिलन चीनी को भी कहा वही अर्जुन वही बात। तू साले महाभारत की बात मुझे मत सुना। इसको लग रहा है साले, लगने के लिए मार रहा हूँ साले, इसको उतार। तो का सारे ऊ मार मारब कि तोहा सब सामान गायब हो जाए भाई। अरे तोहाई दाढ़ी, अरे तोहरे पूरे खन कई दाढ़ी दईहरा ऊ के पूत हैया गाड़े लठिया उतार बे, उतार 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 ली, ओरिजिनल मार मारूंगा। अरे तोहार दाढ़ी, अरे तोहरे पूरे खन कई दाढ़ी दईहरा ऊ के पूत, अरे तोहरे करा ना मोरा नहीं हर छूट दई झरऊ के। ए तोहरे करा ना मोरा नहीं हर छूट दई झरऊ के। हमारे गैया भैंसिया तब तक तब तक कहा हमारे गैया भैंसिया तब तक कहा कुकुरु के पूत दई झरऊ के। ए तब तो कहा हमारे महलाद महला तब तो कहा हमारे महलाद महला महला दू महला बाबू ना अरे तोहरे नाही कौटी छपर के टूट गई झरऊ के पू। बिजली दीदी, इस साले की अब जो क्रियाकर्म करना है अपने हाथों से तुम करो। हंटर लाइगर, अब इनकी सेवा मैं करूंगी। बंदूक हमको दे दीदी। बहुत भली भांत। ला दीदी ले रही, मार के चला भागे तो गोली मार दूंगा साले तुमको। बलवंत सिंह याद कर वो दिन। बिजली क्या माफ कर दो मुझे, माफ कर दूं, माफ कर दूं, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। माफ कर दूं हरामखोर, तुझे मैं माफ कर दूं। रामजादे, मैं तुझे इस दुनिया में जीने नहीं दूंगी, नहीं जीने दूंगी हरामखोर। एक मिनट, अबे खड़ा हो जा साले, तुम्हारी जिंदगी 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया हूँ मैं। दीदी हमको इससे एक सामान लेना है। कौन सा सामान? मैं अपनी मर्जी का सामान लूंगा। कौन सा सामान? इसके साले छाती पर बार लूंगा। मेरे सामान की जरूरत कब? ये साले बार लूंगा तुम्हारा। हराम जादे, अगर हमको यही बार दे दे बस तू। बाल? बार पता बाल तोड़ा जाएगा। ये साले बाल बड़े काम की चीज है, मैं इस बाल को जरूर लूंगा। दीदी मुझको दिलवा दो। क्या करेगा? मैं इसकी दवा बनाऊंगा। कौन सी दवा बनाएगा? इसकी दवा बनाऊंगा चुन्ना की दवा, जो बच्चों को काम करती है,
मैं इतने बाल में कम से कम 500 बच्चों की दवा बनाऊंगा। हरामजादे, इसकी बाल का तू दवा बनाएगा? अरे दीदी, इसकी मैं जानता हूँ। क्या दवा बनाने की? क्या जानता है? कौन सी स्कीम जानता? ये बाल मुझे मिल जाएगा तो मैं 500 बच्चों की जिंदगी बहुत बढ़िया कर दूं। दीदी मारो मत, मुझे बाल दिलवा दीजिए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। निकाल ले, अगर तेरी मर्जी है निकाल। आप पीछे हट जाइए। साले मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बहुत साले मुझसे फर्जी काम करवाया है तो जाते जाते मुझे ये बाल दे के। कितना बाल चाहिए? कहाँ कहाँ के चाहिए? आए, मुझे जहाँ का बाल चाहिए मैं ले लूंगा, जहाँ दवा बन। पूरे बदन में बाल है। अरे दे दे बाल, दे बाल, दे बाल, दे 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 बाल, दे। अरे दुनिया वाले कुछ भी समझे हम हैं बार दीवाने, दुनिया वाले कुछ भी समझे हम हैं बार दीवाने। दे दे बार, दे 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 बार, दे बार, दे बार। आत्मा मेरी खुश हो गई, जिंदगी भर की कमाई मिल गई। जिंदगी भर की तेरी कमाई हो गई? इसके यहाँ साले के यहाँ नौकरी करते करते कुछ नहीं पाया, लेकिन आज मुझे मिल गया। मिल गया? वो भी आपके जरिए मिला दीदी। चलिए ठीक है, कोई बात जो मर्जी हो आपकी करिए। चलो कम से कम इसको मारने से पहले कोई पुण्य का काम भी मैंने कर लिया। बस दीदी 500 का देलक हम दवाई बने दिए तो हमको बहुत पुण्य हो, जो पाप करे हो सब हमारे पाप धुल जाए। चल अब तू ऐसा कर, तू अपनी दवा ठीक कर, मैं इसको ठीक करती। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ दवाई ठीक। हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो? नहीं बिजली, मुझे तू मारेगी नहीं। मारूंगी नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। हाथ हराम को। कदम बढ़ा, रुक जा रुक जा, आगे कदम ना बढ़ा। चूक सकता है मेरा निशाना नहीं, ठाकुर बलवंत का है किया खात्मा। आज हाथों में हथकड़ी पिन्हाऊंगा मैं। तुम मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाने के लिए आए हो? हाँ, मैंने कहा था कि बिजली कानून के साथ खिलवाड़ मत करना, तुम्हारे साथ ना इंसाफी नहीं की जाएगी। आत्मसमर्पण के लिए मैंने बोला लेकिन तूने इनकार कर दिया। मैं सुनो, ठीक है ठीक है साहब, बिजली के हाथ अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, मेरा दुश्मन खत्म, मेरा काम खत्म, मुझे शौक से अरेस्ट कर लीजिए। ये काम तो इंस्पेक्टर रानू ने किया, लेकिन अब एक फर्ज मेरा और बनता है। वो फर्ज जानना चाहती हूँ कौन सा है? कौन सा फर्ज और निभाओगे? इससे ज्यादा अच्छा मेरे साथ और कौन सा फर्ज निभाओगे? इस कानून की वर्दी को पहनकर इंस्पेक्टर रानू ने अपना फर्ज अदा किया है। अब इंस्पेक्टर रानू नहीं बल्कि आपका देवर रानू आपको छुड़ाने की पूरी कोशिश करेगा। मिस रेनू, बिजली भाभी को ले चलो कैद खाने। राम सिंह जी सर, बलवंत सिंह की लाश सील करो और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है जी सर। चौकीदार। यस सर। बलवंत सिंह की लाश को सील करो, पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सील करो, ले जाओ।
सिंह। जी सर। जाओ मेरी माँ को बुला के ले आओ। ठीक है सर। जाओ। मैं जा रहा हूँ। माँ, मैंने अपना फर्ज पूरा किया और डाकू बिजली को अरेस्ट करके जेल भिजवा दिया। और रही बात भाभी बिजली की, तो इंस्पेक्टर रानू नहीं बल्कि मैं सानू का छोटा भाई रानू बनकर जाऊंगा और अदालत से भाभी को छुड़ा कर लाऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, तू जरूर छुड़ा के लाएगा। और छुड़ा के ला बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा परिवार जैसे था वैसे हो जाए बेटा। बस गम इसी बात का है माँ कि आज मेरे भैया इस संसार में नहीं हैं। हाँ बेटा, लेकिन भाभी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है बेटा। प्रिय बंधु, यहीं से हमारी संगीत समाप्त की जाती है। आज आपने जिस संगीत को देखा, ये संगीत हमारी, जिसका नाम मैं एक बार पुनः लेना चाहता हूँ, इस संगीत का नाम घायल शेरनी खून का सिंदूर उर्फ डाकू टाइगर सिंह। इस संगीत में काम करते समय हम कलाकारों से कहीं टूटी हुई हो, हमसे भूल हुई हो, तो हम आम जनता से क्षमा चाहते हैं और हमारी गलती को क्षमा करेंगे।